नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में एक बार फिर कोरोना का नया अपडेट जारी कर दिया गया है। आज फिर कोरोना के 1304 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 191,427 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,572 कोरोना के एक्टिव मरीज हो गए हैं। बात राजधानी पटना की करें तो यहाँ आज कोरोना के 263 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना मरीज अररिया में 35, बेगूसराय में 34, पूर्वी चंपारण में 48, गोपालगंज में 47, कटिहार में 51, मधेपुरा में 60, मुजफ्फरपुर में 57, पूर्णिया में 58, सहरसा में 41, सुपौल में 35 और रोहतास में 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बिहार में सबसे कम मरीज सीतामढ़ी में मिले हैं, जहां नए मरीजों की संख्या मात्र 3 है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 1255 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। अगली बड़ी खबर, जदयू में जाकर फंसे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बक्सर से टिकट का इंतजार बेकार, भाजपा से परशुराम का नाम लगभग तय। जी हां, सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले बिहार के डीजीपी का पद छोड़कर और काशी के बाबा से मुहूर्त दिखाकर जदयू में शामिल होने का फायदा उठाने से गुप्तेश्वर पांडे चूक गए हैं। गुप्तेश्वर बक्सर से ताल ठोकने के लिए मंदिर मंदिर घूमते रहे, लेकिन भाजपा ने यह सीट अपने खाते में ही रख ली है। सीट भाजपा के खाते में रहने की औपचारिक सूचना के साथ ही यह बात भी उठी है कि सीट के लिए गुप्तेश्वर तीर छोड़ कमल संभाल सकते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद यह तय हो गया कि भाजपा उन्हें यह सीट नहीं देने जा रही है। भाजपा ने इस सीट के लिए अपने कैडर परशुराम चतुर्वेदी के नाम की एक तरह के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, यानी परशुराम का नाम लगभग तय हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए राजद ने अपने 42 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। राजद ने रेप के 2 आरोपी नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया है। भोजपुर जिले के संदेश से किरण देवी को टिकट मिला है। वहीं किरण रेपकांड के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी है। वहीं नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जेल में बंद राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट मिला है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश को लिखा पत्र, कहा शक्ति मलिक हत्याकांड में मेरे खिलाफ सीबीआई जांच कराए, चाहे तो करा सकते हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि पूर्णिया के शक्ति मलिक हत्याकांड को लेकर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस हत्याकांड में खुद के ऊपर सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। इस हत्याकांड में मृतक शक्ति मलिक की पत्नी के बयान पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। हत्या से पहले शक्ति मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने तेजस्वी पर टिकट के लिए 50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें राजद से निकाल दिया गया था। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी अब आधिकारिक तौर पर NDA का हिस्सा बन गई है। पटना में इसकी घोषणा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने कोटे से 11 विधानसभा सीटें दी है, साथ ही VIP को विधान परिषद की एक सीट भी उन्हें दी जाएगी। तो VIP को ब्रह्मपुर, बोचहा, गौड़रामपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर सीट मिली है। घर से AK-47 मिलने के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने राजद के प्रत्याशी के रूप में बुधवार को पटना जिले के बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में मोकामा विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे, हम जहाँ भी जाते हैं सरकार उसी की बनती है, नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अनंत ने दावा किया कि मैं इस चुनाव में 1 लाख वोट से जीतने वाला हूँ।
दिलचस्प बात यह है कि इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच चुनावी जंग होगी। अनंत सिंह पत्नी से पर्चा एक खास डर के चलते भरवा रहे हैं। अनंत सिंह को डर है कि उसका नामांकन रद्द हो सकता है। यह डर इसीलिए है कि उन पर कई संगीन अपराध के मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी एक या कई मामलों की वजह से चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आनंद सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को भी मैदान में उतार रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे और गया नगर विधानसभा के विधायक प्रेम कुमार ने बुधवार को नामांकन किया। 1990 से लगातार 7 बार विधायक रहे कुमार ने 8वीं बार इसी सीट के लिए पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गया से 7 बार विधायक रहने के दौरान क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है। गया की जनता भाई बहन कार्यकर्ताओं और नेता का आभारी हूँ जिन्होंने गया नगर के विकास में सहयोग दिया है। गया नगर में कांग्रेस से टक्कर पर उन्होंने कहा कि कोई टक्कर में नहीं है, जनता के साथ और विश्वास ने ही मुझे यहां टिके रहने दिया है। गया टाउन में भाजपा का दबदबा, अभी तक 11 चुनाव हुए हैं जिसमें सबसे अधिक 7 बार भाजपा जबकि 3 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉक्टर उषा विद्यार्थी लोजपा में शामिल हो गई। बुधवार को लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उषा विद्यार्थी पटना के पालीगंज से भाजपा की विधायक रह चुकी है। वे बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य भी है। माना जा रहा है कि उषा पालीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उषा विद्यार्थी चिराग के नीतीश कुमार पर लिए गए स्टैंड से प्रभावित है। उनके अनुसार बिहार ले जाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विचार है। उषा विद्यार्थी को पार्टी में लाने की पहल चिराग ने की थी। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार मांझी और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आमने सामने होंगे। जीतन राम मांझी ने शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम की क्षेत्र के विकास के नाम पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि सब शांति से रहे। पिछले 5 सालों से यहाँ निर्विघ्न रहे हैं। बच्चा बच्चा कहता है कि यहां शांति की स्थापना हुई है, इसीलिए मांझी फिर से यहां आए। कभी नीतीश कुमार के सिपल सलार रहे उदय नारायण चौधरी इस बार राजद के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उनको 2 बार विधानसभा का स्पीकर बनाया था, हालांकि स्पीकर रहते हुए वो हार गए थे। आखिरकार पूर्व रेलवे की ओर से भी दुर्गा पूजा 2020 से पहले यात्रियों को ट्रेन का तोहफा मिल ही गया। 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही है जिसमें बिहार के लिए 1 ट्रेन है। पूर्व रेलवे ने इसकी जानकारी के अनुसार सियालदह नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट एसी स्पेशल, हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल और मालदा दिल्ली मालदा स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे ने कहा कि 12 अक्टूबर से सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट एसी स्पेशल सियालदह से शाम 4:50 खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:35 नई दिल्ली पहुंच जाएगी। 13 अक्टूबर से नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट एसी स्पेशल नई दिल्ली से शाम 4:25 खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:10 में सियालदह स्टेशन पहुंच जाएगी। यह ट्रेन दुर्गापुर आसनसोल धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं दूसरी ओर 12 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर स्पेशल हावड़ा से रात 9:35 खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 7:25 जमालपुर पहुंचेगी। वहीं 13 अक्टूबर से जमालपुर हावड़ा स्पेशल शाम 7:30 जमालपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:35 में हावड़ा पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर, लोजपा ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 28 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने इसे चुनाव में अकेले 143 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। आइए जानते हैं सारे उम्मीदवारों और उनके विधानसभा क्षेत्र के नाम। तो सबसे पहले इमाम गजाली जो कि शेखपुरा से, अखिलेश कुमार डुमराव से, राकेश कुमार करगर से, कुमारी अर्चना बेलहर से, रविशंकर पासवान सिकंदरा से, निखर पासवान चिनारी से, रविंद्र यादव झाझा से, मीना देवी
तारापुर से, सरुण पासवान कटुबा से, मधुकर कुमार बरबीघा से, मृणाल शेखर अमरपुर से, संजय कुमार मंडल चकई से, वेता सिंह संदेश से, रेणुका देवी बाराचट्टी से, रंजित यादव गोविंदपुर से, शशिभूषण कुमार नवादा से, सुरेश सिंह निषाद मोकामा से, रविशंकर प्रसाद सिंह सुईगढ़ से, परशुराम कुमार मसौड़ी से, मनोज सिंह रफीसगंज से, कृष्ण कबीर नोखा से, भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से, भुवनेश्वर पाठक कुर्था से और रामसराय शर्मा बेलागंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, ओवैसी की पार्टी AIMIM उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और बसपा के गठबंधन में शामिल, बिहार चुनाव में उतरेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके कहा कि ओवैसी भाजपा के कहने पर राजद कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए अलग से चुनाव लड़ेंगे। बिहार का राघोपुर विधानसभा सीट की प्रोफाइल सीटों में शुमार रहा है, इस बार भी खास चर्चा में है। इस सीट को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से तेजस्वी यादव दूसरी बार किस्मत अजमाने जा रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ पूर्व राजद नेता ही मैदान में खड़ा है। जी हां, बख्तियारपुर के पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व राजद नेता जितेंद्र कुमार यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद अब साहिबगंज रेणखंड होकर दो ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। 12 अक्टूबर से प्रस्तावित दोनों ट्रेनें हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस व फरक्का एक्सप्रेस अपने पुराने समय के अनुसार चलेगी। आपको बता दें कि ये दोनों ट्रेनें COVID-19 स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। डिवीजन के आदेश के बाद ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को रिजर्वेशन काउंटर से 10 अक्टूबर से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। और अंत की सबसे बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की साजिश के आरोप में दर्ज रिवीजन बाद में बुधवार को मुजफ्फरपुर में ADJ प्रथम के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान के अधिवक्ता साकेत तिवारी उपस्थित हुए। उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया। शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट से इन आरोपितों को नोटिस करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपितों को अधिवक्ता की उपस्थिति के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। तो इसी के साथ ही आज के बिहार के बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।